और बड़ी खबर इस वक्त मानसा से आ रही है। मानसा में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने मानसा से अपना दावा ठोका है टिकट के लिए और सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिए जाने की खबरों का विरोध भी किया है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फैसले पर विचार करने की अपील उन्होंने की है। आपको बता दें कि मानसा से टिकट नहीं मिलने पर फैसला लेने की चेतावनी भी मानशाहिया ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने मानसा से अपने टिकट का दावा ठोका है। कांग्रेस में घमासान टिकट को लेकर मचा हुआ है। यहां तक कि नाजर सिंह मानशाहिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस तरह के फैसले पर विचार की अपील भी की है। नाजर सिंह मानशाहिया ने सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिए जाने की खबरों का विरोध भी किया है। प्लानिंग चल रही भी सिद्धू मूसेवाले मानसा तो टिकट दे के इलेक्शन लड़ाई जाए, तो मैं समझदा कि जिस बंदे का पहला गाउन बजाउन वेले लोगों वालों क्रिटिसाइज़ हुंदा रहा, उही आपदी गायकी करके जिस तरह का इमेज उन्हें पंजाब दे विच बनाया सी, लोगों च बनाया सी, उसे का मुजहरा उन्होंने पार्टी विच आके करना शुरू करता है कि मैं जे पार्टी ने मैनू टिकट ना दिती तो मैं आजाद चोण लड़ांगा, तो यह मर्यादा की उलंघना है। तो मैं पार्टी च हुंदा होया अपनी जिम्मेवारी समझदा कि मैं ये चीज़ां पार्टी के ध्यान च भी लिया। मैं एक अपना जिहड़ा प्रोटेस्ट लैटर कह लो जां एक आपदी एडवाइस पार्टी नूं भेजी है, अपील की है, ये मैं चिट्ठी श्री राहुल गांधी जी नूं ध्यान च उन्हां ध्यान च लिआउण वास्ते लिखी है तां कि उह कोई फैसला आपदा रीकनसिडर करन ते नाल इस ते कोई वधिया फैसला लैके पार्टी नूं दी निगरती हालत नूं अप कर ले, इहनूं हुण इस तरह का फैसला लै लेना चाहीदा है। बड़ी खबर है ये। हमारे साथ विनोद गोयल जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। विनोद, जिस तरीके का रुख और जो तेवर नजर आए हैं नाजर मानशाहिया के, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं फाइनल किया गया तो शायद कोई बड़ा फैसला खुद ले सकते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि नाजर मानशाहिया ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो विचार करेंगे, लेकिन उनके उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी को चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसका मतलब वो फैसले पर पुनर्विचार करने की बात भी कही है। साथ में उन्होंने कहा है कि इस चिट्ठी के जरिए वो अपने साथी एमएलए जैसे मोगा से हरजोत कमल को भी नकारा गया है, भी मेरी सीट है जो मेरी टिकट है जो उसको भी निकाला जा रहा है। मैं अपने साथी एमएलए को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। उसके साथ ही उन्होंने जो सिद्धू मूसेवाले हैं उन पर भी काफी सवाल उठाए हैं कि उनका जो पहले कैरियर था, जो गाने बजाने का काम वो करते थे, तब भी उन लोगों के उनको अच्छा नहीं समझते थे कि अभी कांग्रेस पार्टी में भी कांग्रेस के नेता हों या आम लोग हों, वो इस आदमी सिद्धू मूसेवाले को अच्छा नहीं समझते, इसलिए इसकी जो टिकट है उसको रद्द किया जाए और किसी भी आदमी को टिकट दी जाए। लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहते हुए अपना दावा भी पेश किया है कि जो टिकट है वो मैंने 2.5 साल से कांग्रेस ज्वाइन किया है तो मेरा बनता है। जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।